तो भाई आज काफी कुछ ऐसा है, कुछ बिजली के बोर्ड खराब हो रहे हैं मेरे, वो भी ठीक कराने हैं। और इस टीवी को उस कमरे में शिफ्ट करना है, क्योंकि अब गर्मी ज्यादा होने लगी है, तो यहाँ पर थोड़ी घुटन लगती है। गुड्डू भी रात को पंखा चला के सोया है, कह रहा पापा घुटन लग रही है। तो इस टीवी को उस कमरे में शिफ्ट करेंगे, बेड को भी उधर शिफ्ट करेंगे उस कमरे में। और कुछ बिजली के बोर्ड खराब हो रहे हैं, इसलिए मैंने बिजली वाले को बुलाया है, इलेक्ट्रिशियन को, वो आ रहा है, फिर कराते हैं बिजली के बोर्ड ठीक, और उसके बाद टीवी को उधर शिफ्ट करेंगे। भाई बोर्ड अपना ठीक हो चुके हैं, ये बिजली के अंदर वाला भी हो गया है, अंदर वाला एक ये वाला बोर्ड खराब था, ये भी ठीक हो गया है, एक ये था, ये भी ठीक हो गया चुकी हूँ। और मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने ये पहन ली है, और आज ठंड बहुत ज्यादा है। मैं स्ट्रॉबेरी खा रही हूँ जो पापा जी मिलने लाए थे। और ये मम्मा, मम्मा क्या कर रहे हो? मम्मा ये टीवी क्यों निकाल रखा है? रात को उस कमरे में गर्मी लग रही है ना, बाहर वाले में डालेंगे। देखती हूँ पापा क्या कर रहे हैं। यहाँ पर फिट, और यहाँ थी अलमारी, अलमारी रख दी गई है इस कमरे में, कोई मैंने और हनी ने उठा के रखवाई थी। भाई अलमारी आदि अपनी इधर सेट हो गई है, टीवी हुआ करता था हमारा पहले इधर, उधर हटा दिया है और उस कमरे में लगा दिया है, और इसका अपना अलग ही खेल चल रहा है। देखो ये क्या करने लग रही है, नकली बाल लगा लिए, दिखाई कहाँ नकली बाल, देखो नकली बाल। और भाई एक काम हो रहा है, अभी मेरा एक घर में पौधा रखा था, ये भी सूख रहा है, इसको भी ऊपर रख के आना है। चलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका हमारे न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सुबह से लग रहे हैं घर की साफ सफाई में, और हमने सामान अपना सेटिंग कराया आज कमरे का, और टीवी लगाया उस कमरे में। इस कमरे में हमें गर्मी लग रही है, घुटन सी हो रही है इस कमरे में, ये किचन के साथ कमरा है तो इसमें थोड़ी घुटन हो जाती है, इसलिए अब हम इस वाले कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। इस कमरे में लगा लिया है हमने टीवी, गर्मी में हम इसी में आ जाते हैं। हाँ, और ये रहा बेड, इधर फोल्डिंग आए, हाँ इधर आ जाएगा एक फोल्डिंग। और अभी मैं जूते चप्पलों के लिए लेने जा रही हूँ उसके पापा के साथ, रैक, शू रैक लेने जा रहे हैं हम। शहरी भी जाएगी, और आगे थोड़ी साफ सफाई रह गई है, आगे और साफ सफाई करेंगे। अभी ये जो पलंग है ये भी हमको इधर से इधर करना है, सामने करना है, ऐसे करके डालना है, जब भी टीवी सही से दिख पाएगा ऐसे डालेंगे इसको, ऐसे लंबा करके जब टीवी सही से आएगा एक फोल्डिंग इधर आ जाएगा, ऐसे करेंगे ना, ऐसे जब भी तो टीवी दिख पाएगा सही से। तो चलिए इतने मैं जा रही हूँ मार्केट, तो चलिए अब हम निकल गए हैं मार्केट के लिए। और शहरी भी जिद करने लगी थी कि मेरे को भी मार्केट चलना है आपके साथ, और इसके पापा मना कर रहे थे कि बाइक पे सामान रख के लाएंगे, तो शहरी फिर भी नहीं मानी, शहरी हमारे साथ आई है। और यहाँ से हम उसके लिए देख रहे हैं टेबल, स्टडी टेबल जो होती है वो देखी है इसके लिए, और हम इस पर वो देख रहे थे शू रैक, तो इनकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे शू रैक थे। और आजकल कुछ नए तरीके के चल रहे हैं, पहले जो हमने लिया था वो तो हमारा लकड़ी वाला था, जाली वाला, और अब कुछ अलग तरीके के चल रहे हैं, उनके साथ ढकने वाला वो कवर भी आ रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे इसलिए हमने वो वाले ले लिए। और भाई रैक अपना आ चुका है, अब कर लेते हैं इसको असेंबल।
चलिए गुड्डू के पापा ने रैक जोड़ दिया है और देखिए इसके चार पांच खाने हैं इसके। और अब मैं रख देती हूँ इसमें जूते, और जूते भी साफ़ कर लिए मैंने सारे जूते। तो चलिए, हॉल का टीवी भी बहुत दिन से ख़राब हो रखा है, मम्मी कह रही है इसको भी ठीक करवाने के लिए डालिया। तो ये और हनी जा रहे हैं, इसको स्कूटी पे रख के ले जाएंगे टीवी डालने में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से आपका हमारे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और तीन चार दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज थोड़ी मेरे को तबीयत ठीक लगी है तो मैंने ब्लॉग अपना बनाना शुरू करा है, वो भी मैं शाम को बना रही हूँ। देखिए कितना टाइम हो रहा है, 7:45 होने वाले हैं। तो उस दिन हमने ब्लॉग बनाया था जिस दिन इसके पापा की छुट्टी थी, उस दिन थोड़ा ब्लॉग बनाया था। फिर शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और तीन चार दिन का गैप इसलिए आ गया। और उस दिन इसके पापा ने इस कमरे में सामान डलवाया था, पलंग डलवाया था क्योंकि इस वाले कमरे में अब किचन के साथ है ये कमरा, तो इसमें बहुत वो हो जाती है, घमस हो जा रही है, तो इसमें सोया नहीं जा रहा। बच्चों को भी गर्मी लग रही थी रात को, मेरे को भी घुटन सी लग रही थी, इसलिए फिर इसके पापा भी छुट्टी थी तीन चार दिन पहले, तो इस कमरे में शिफ्ट कराया हमने। और यहाँ पर टीवी लगा दिया और एक पलंग डाल दिया यहाँ पे, अभी छोटा ही डाल रखा है यहाँ पे। अब जब छुट्टी होगी, वैसे कल छुट्टी है शायद इसके पापा की शिवरात्रि है, तो जब डालेंगे या नहीं तो फिर बाद में डलवाऊँगी मैं पलंग। और ये बड़ा वाला पलंग मैं डलवाऊँगी क्योंकि वो पलंग छोटा है, उस पर सही से नहीं सो पा रहे हैं। एक फोल्डिंग भी बिछाते हैं हम उस पर कमरे में। और तबीयत ठीक नहीं है तो इसके लिए मेरे लिए लेके आए हैं फल वल ले आए हैं, पपीता लेके आए हैं, केले लेके आए हैं, और ये सब्ज़ी मंगाई थी मैंने प्याज वाली, कि आज मैं ये वाली प्याज वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसके पापा ये भी ले आए हैं मेरे लिए। और कल है शिवरात्रि और देखिए मैंने अपना मंदिर कैसा सजाया है। ये मैंने अपना मंदिर सजाया है, ये टांड पे रखी हुई थी ये लड़ी, ये दिवाली पे लगाती हूँ मैं, लेकिन मेरे को मंदिर सजाना था इसलिए मैंने ये टांड पे से उतरवाई थी कल इनसे। और मैंने ये मंदिर सजाया अपना, देखिए कैसा सजाया मैंने अपना मंदिर। और आज सोमवार है तो जय भोलेनाथ की मैंने चिरागी भी करी है, सोमवार को मैं भोले जी की पूजा करती हूँ। और आपको मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को बोलने में भी थोड़ी वो हो रही है। अब बैठ गई हूँ मैं, अभी इसके पापा लड़ी भी लगाएंगे। मैं मेरे से तो लड़ी लगी नहीं थी, मेरा हाथ नहीं गया था उतार के, तो इसके पापा ने रख दिया लड़ी, अब इसके पापा लगाएंगे लड़ी। तो अब ये लगा रहे हैं लड़ी, और दोपहर को मैंने सजा दिया था सारा ये फूलों से मंदिर, और ये कह रहे मैं लड़ी लगा देता हूँ। और मम्मी भी आ गई है, देख रही है कि कैसा मंदिर सजाया है, और ये स्टूल पे चढ़ के लगा रहे हैं लड़ी। मैं चढ़ के लगा रही थी, मेरा हाथ जा ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने बोला कि तुम लगा देना शाम को लड़ी। तो अब लगा दिया इन्होंने, देखे कैसी लग रही है, अब इन्होंने जला दी है लाइट। शहरी अपने कलर और ड्राइंग लेके बैठी थी और कह रही थी कि मम्मी इसमें भोले बाबा की फ़ोन में से देख के एक अच्छी सी ड्राइंग बना दो, तो मैं वो फ़ोन में से देख के वही बना रही हूँ। और मम्मी से भी नहीं मिले हो तीन चार दिन से, कर दो राम राम जी, कर दो राम राम जी। और आज मम्मी के बालों में मैंने लगाया है कलर, मम्मी के बाल सारे वो हो रहे थे लाल लाल से हो रहे थे ना मेहंदी से, अब कलर लगाया मम्मी के बालों में, जवान बन गई मैं अब। नहीं तो वो अच्छे भी नहीं लग रहे थे, वो लाल लाल से बाल नहीं, ऐसे ही लग रहे हैं, ऐसे ही लग रहे हैं बाल। लिया है सब्जी? सब्जी लिया है। अब कहाँ गया? आ गए, मैं दवाई लेने गए थे, ले आए संतोष से। दवाई लेने गए थे, ले आए। वो पीछे की हरी हरी भी डाली हो? हाँ वो भी डालती हूँ मैं। हाँ। क्या बोलते हैं आल की प्याज बोलते हैं ना, वही बनाऊंगी। तरी वाली बनाऊं सूखी वाली बनाऊं? ज्यादा सूखी भी ना होनी चाहिए, थोड़ी हल्की सी तरी होनी चाहिए, ज्यादा तरी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी तरी है ना, और बनी थोड़ी सी, बच्चे तो खाएंगे नहीं, नहीं फिर कभी फर्क नहीं पड़े ना, अपने लिए तुम्हारे लिए बनाऊंगी। संजय तो खा लेता है, देखूंगे खाएंगे नहीं तो, अगर कुछ और खाएंगे तो फिर कुछ और बनाऊंगी। ये बना लियो, ज़्यादा मत बनिए फिर कल आ क्या फायदा। हाँ थोड़ी बनाऊंगी। फोटो नहीं खींच रही हूँ, व्लॉग स्टार्ट करा है। तो चलिए खाना हमने खा लिया है, और खाना खा के हम बैठ गए हैं रजाई में,
और गुड्डू के पापा उस कमरे में हैं, टीवी देख रहे हैं, और मम्मी भी लेट गई है अपने कमरे में। और हाँ, क्या हो रहा है ये बाबू? ये थोड़ा रूखा रूखा हो रहा है ना, बोरो प्लस से सही हो जाएगा। ये शहरी की स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है ना, अब बोरो प्लस से सही हो जाएगा। और यहाँ पे भी इसके सारा कहाँ गया, कहाँ यहाँ पे भी सारा इसका रूखा रूखा हो रहा था, छिल गया था सारा इसके, है ना। तो चलिए, बड़े दिन से हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं, बड़े दिन से क्या, दो चार दिन हो गए हैं वीडियो नहीं डाले हैं। वही वाली वीडियो डाली थी जो एनिवर्सरी पे डाली थी, उसके बाद से एक भी वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी बोलने का, कुछ भी करने का, और ना ही हिम्मत हो रही थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और अब तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, तो इसलिए फिर से स्टार्ट कर दिया है अपना व्लॉग। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमें बताएं कमेंट करके, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।